नमस्कार दोस्तों, सरकारी योजना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी योजना लेके आए हैं, अगर आप किसान हैं तो अब आपका होगा कर्जा माफ़। जी हाँ, किसानों का कर्जा सरकार माफ़ करेगी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अगर आप किसान हैं तो वीडियो को पूरा देखना आखिर तक। किसी भी फसल की खेती के लिए किसानों को बीज, खाद, कृषि यंत्र आदि खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसानों को कर्ज लेना पड़ता है। सरकार की ओर से किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन कई बार सूखा, बाढ़, अति बारिश, बाढ़, ओलावृष्टि के कारण फसल खराब हो जाती है और किसान भाई अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। किसानों की इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारें किसानों का पुराना कर्जा माफ़ कर रही हैं। इसी क्रम में अब महाराष्ट्र सरकार भी किसानों के पुराने कर्ज माफ़ कर रही है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज मुक्ति योजना चलाई गई है और इसी योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार किसानों के कर्ज माफ़ कर रही है। आपको बता दें, अगर आप किसान हैं और आप महाराष्ट्र में रहते हैं, मतलब महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं, तो आपको महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज माफ़ी योजना का लाभ मिलेगा। आपका कर्जा हो रहा है माफ़। महाराष्ट्र सरकार की ओर से महात्मा ज्योतिराव फुले योजना के तहत किसानों को कर्ज माफ़ी योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों के पुराने कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें, अगर आप किसान हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया है। नियमित ऋण अदायगी करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करते हुए 2017-18, 18-19, 19-20 की अवधि विचार करने का अनुमोदन किया गया है। मतलब महाराष्ट्र सरकार किसानों का कर्जा माफ़ कर रही है। अगर आप कौन से राज्य से हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।